अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हाँ जी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मेरा व्लॉग जो है ना वो इस कुकिंग पे है, क्योंकि मैंने की थी अपने देवर की दावत, क्योंकि शादी के बाद उनको पहली बार देवरानी को और देवर को खाने पे बुलाया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ दावत की प्रिपरेशन। यहाँ देखें, मैंने जो है ना वो कस्टर्ड बना लिया है, और ये मैंगो कस्टर्ड बनाया है और इसको डेकोरेट भी अपनी तरह से करके रख दिया है। और यहाँ देखें, सलाद बना लिया है मैंने। सबसे पहले इब्तदा जो है ना मैंने कस्टर्ड से की। अच्छा, कोई भी दावत करनी होती ना तो मैं पहले ना कस्टर्ड बना लेती हूँ और सलाद बना के फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि ना ठंडा हो जाए, क्योंकि कस्टर्ड खाने में ना ठंडा ठंडा मज़े का लगता है। आप मेरी क्रिएशन देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ना। और मोबाइल में तो इतना प्यारा आ रहा था, इतना ब्यूटीफुल सा ये फ्लावर आ रहा था। ये टमाटर से बनाया है मैंने, और ना ये जो छोटा वाला है ना, ये आधा टूट गया था इसका, तो मैंने इसको भी जो है ना फ्लावर बना के इसमें लगा दिया। अच्छा लग रहा है ना, एक छोटा सा फ्लावर और एक जो ना बड़ा फ्लावर। खाता तो कोई भी नहीं है इसको, लेकिन ना खूबसूरती के लिए अच्छा लगता है। और सलाद है ना वो थोड़ा सा सही तरीके से रखा ना तो अच्छा सा लगता है। और साथ इसमें ना लेमन भी लगा दिए मैंने, क्योंकि कोई जो है ना हमारे घर में कोई कोई जेंट्स ऐसे ना कि वो लेमन डाल के खाना खाते हैं, तो उससे हाजमा भी हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से मैंने इसमें साथ में लेमन लगा दी। और यहाँ देखें, जब मैं कस्टर्ड बना रही थी ना, तो जब मैंने ये क्लिप लिया था, मैंने कस्टर्ड बना लिया था और उसको ठंडा करने के लिए कमरे में रखा, और यहाँ केले काट के ना रख दिए मैंने। और इसमें जो है ना जेली भी मैंने पहले से ही बना के फ्रिज में रख दी थी, ताकि वो ठंडी हो जाए। तो यहाँ सब मैंने मिक्स कर दिया। जो मैंने केले के जो स्लाइसेस बचे थे ना ऊपर और नीचे के, वो मैंने पहले इसमें मिक्स कर दिए। जो सेंटर का केला के स्लाइसेस थे ना, वो मैंने रखा डेकोरेशन के लिए। और यहाँ देखें, मैं जो है ना इसमें जेली और केले को मिक्स कर रही हूँ। इसमें बनाना मैं मिक्स कर दूँगी, और साथ में इसमें मैंने जो है ना वो केक भी डाला है। अच्छी तरह से इसको छोटे छोटे टुकड़े करके ना, केक को आप कोई सा भी फ्लेवर का केक डाल सकते हो इसमें। तो यहाँ मैंने बेकरी का केक मंगवाया था, वो मैंने इसमें डाल दिया। उससे जायका बहुत अच्छा आता है। जब भी हल्का से ठंडे हो गए ना, तो मैंने इसको डाल दिए ये बॉल्स में, और देखें कितना अच्छा लग रहा है। अभी जो है मैं इसको डेकोरेट करूँगी। अब देखिए, इसमें कुछ कुछ डूबे हुए केले नज़र आ रहे हैं, तो मैंने सोचा पहले ही थोड़े से ठंडे हो जाए ना, फिर इसको वो करूँगी डेकोरेट, क्योंकि फिर गर्म थे ना, हल्के से गर्म थे, तो ये ऊपर से जमे नहीं थे, तो ना केले डूबे जा रहे थे कस्टर्ड के अंदर। तो यहाँ जो है ना वो मैं बना रही हूँ बिरयानी, क्योंकि बिरयानी की रेसिपी तो आप लोगों ने देखी होगी मेरे चैनल पे। काफ़ी बार मैंने जो है ना वो चिकन की भी बिरयानी, पुलाव भी और बीफ की भी रेसिपी काफ़ी सारी शेयर कर दी है। तो बस क्योंकि अभी ये हमारी दावत की प्रिपरेशन है, ये रेसिपी नहीं है, तो हमने यह मसाला बनाया हुआ था और हमने डाल दिया इसमें चिकन। असल में जो है ना इसमें आपको थोड़ा सा गड़बड़ नज़र आएगी। वह हुआ ये कि मेरे पास जो है ना, इससे पहले मैंने दावत की थी ना, तो क्योंकि शादी के दौरान इतने सारे गेस्ट आए और सबके लिए जो है ना वो दावत तो बनती है ना, क्योंकि मेहमान है ना वो आते, आपको पता है कि किसी खुशी गमी के मौके पे इकट्ठे होते हैं सब रिश्तेदार, तो दावत तो उनकी बनती है ना जब इतने टाइम के बाद आते हैं। और यहाँ मैंने बनाया हुआ था कौरमा, तो मैंने ना वो वीडियो बना ली थी बिरयानी की, तो बाकी जब उस पर चावल वगैरह डाले ना, तो वो मैं शेयर करना ही भूल गई, वीडियो बनानी भूल गई। ये अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाता है, जब मैं आधी वीडियो बना लेती हूँ और आधी वीडियो बनाना ही भूल जाती हूँ। यहाँ मैंने जो है वो चिकन का कौरमा बनाया था, बहुत मज़ेदार कौरमा बना था। और कौरमे के जो ना हमारे घर में पता नहीं क्या इतनी बरकत हो जाती है ना कौरमे में, जल्दी से ख़त्म ही नहीं होता। माशाल्लाह अल्लाह ताला मेहमानों के नसीबों से देता है। मेहमान तो कम खाते हैं और घर वाले ज़्यादा खा लेते हैं, तो ना बड़ा मज़ा आता है दावत। मेहमान तो एक टाइम खा के चले जाते हैं, घर वाले दो दिन खाते रहते हैं, हमारे ख़ुद की भी दावत हो जाती है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। इसको मैंने डेकोरेट कर लिया, ठंडा हो गया था, तो सोचा मैंने क्यों ना वीडियो भी साथ में ले ली जाए। मैंने कस्टर्ड को डेकोरेट किया इधर ही खड़े खड़े, क्योंकि किचन में मैं ना वो बिरयानी की तैयारी कर रही थी, तो जल्दी जल्दी बस मैं सोच रही थी, जिस दिन भी दावत होती है ना तो मेरी ऐसी भाग दौड़ी लगी होती है
कि सुबह से तैयारी शुरू कर देती हूँ, और क्योंकि शाम की हमारे यहाँ दावत होती है अक्सर, तो बस दोपहर का भी खाना घर वालों के लिए बनाना होता है और फिर शाम का भी होता है, तो मैं सोचती हूँ इसी में से जुगाड़ करके ना तो कुछ घर वाले भी दोपहर में खा लें और मेहमानों की दावत भी हो जाए और हम लोग भी सब खा लें। ऐसा आप लोग भी करते होगे ना, तो बस बताइएगा ऐसा कौन कौन करता है कि मेहमानों की दावत में से ना अपना भी जुगाड़ लड़ा लेते। तो यहाँ जो है देखें कितना अच्छा सा मैंने सलाद भी बना लिया और साथ में कस्टर्ड भी बना लिया और साथ साथ मैंने जो है वो बिरयानी भी बनाई। नींद भी आने लग गई क्योंकि रात का टाइम है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरा बेटा सो रहा था, तो मैंने कहा मौके से फ़ायदा उठाया जाए। और यहाँ देखेंगे आप, अरे ये क्या हुआ, डाली तो बीफ बिरयानी थी, नहीं चिकन बिरयानी थी और ये बन गई बीफ। हाँ जी, क्योंकि ये जो है ना अलग दावत की वीडियो है, वहाँ मैंने बीफ की बिरयानी बनाई थी और उसका वीडियो लिया, तो बस ऐसा हो जाता है क्योंकि जब हम वीडियो बनाने लगते ना तो फिर आधी वीडियो बनती है आधी भूल जाते हैं। तो यहाँ मैंने बीफ बिरयानी बनाई थी मेहमानों के लिए और जो कि बहुत मज़ेदार थी, आपको दिख रहा होगा माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। और साथ में हमने बनाई ग्रीन चटनी बनाई और ये आजकल हमारे खाने में बहुत ज़्यादा आ रही है, और साथ ही इसके साथ हमने बनाया रायता और मेहमानों की शाम की दावत की तैयारी करके रख दी। और क्योंकि मेहमानों को मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती थी इसलिए मैंने दावत खाना वगैरह लगाने की भी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब मेहमान आए हों और वो वीडियो भी नहीं बनवाना चाहते हों, तो उनके सामने आप वीडियो बनाओ तो अच्छा नहीं लगता ना, कई इतराज़ करे। तो बस इसी वजह से मैंने ना मेहमानों की और नान को खाने खिलाते हुए वीडियो बनाई, और ना ही मुझे लगता है कि मुझे उस टाइम पे ना याद रहता, क्योंकि मुझे ख़ुद को अजीब लगता किसी के सामने वीडियो बनाते हुए, तो बस इसलिए मैंने यही वीडियो बनाई। जो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी छोटी सी सिंपल सी दावत की प्रिपरेशन, और आप लोगों को कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताया करें। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के और अच्छा लगता है, हौसला अफजाई होती है। तो बस मैं इसी के साथ जो है वो अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैंने जो है बस अभी जाना है, सोने की तैयारी करनी है। और बस, और आप लोग बताइएगा कि मेरा इतना प्यारा सा सैलेड, इस पर देखें मैंने ना प्याज भी लगाए हैं और माशाल्लाह बहुत प्याज मैंने लगाए स्लाइसेस कट करके, क्योंकि मेरे देवर को प्याज जो है ना वो बहुत पसंद है, तो मैंने इतने ज़्यादा नहीं डाले, बिल्कुल थोड़े थोड़े से डाले, लेकिन जो है ना वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो आप लोग भी बताइएगा कि मेरी डेकोरेशन कैसे लगी, प्रिपरेशन दावत की। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताया करें अच्छा सा कमेंट करके, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे चैनल को कामयाब करे और मुझे भी कामयाबियां दे अल्लाह ताला। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।